आज जिला चरखी दादरी के पुलिस स्टेशन सिटी में एक मुकदमा एएसआई अशोक एसटीएफ यूनिट जो गुरुग्राम है उसके बयान पर दर्ज हुआ है, जो एक प्रेमनगर का प्रवीण जो चरखी दादरी का रहने वाला है, जो गाड़ियों पर चोरियां करके और फर्जी नंबर प्लेट फर्जी कागजात तैयार करके आगे बेचता था, इस संबंध में एसटीएफ के इंस्पेक्टर सतीश देसवाल और उनकी टीम और यहां चरखी दादरी से स्पेशल स्टाफ के इंचार्ज एएसआई सतीश और उसकी टीम ने संयुक्त रूप से यह मुकदमा दर्ज होने उपरांत रेड कंडक्ट करके 3 गाड़ियां अब तक बरामद करने में सफलता हासिल की है, जिसमें 2 गाड़ियां स्कॉर्पियो और 1 गाड़ी इनोवा है। जो स्कॉर्पियो हैं वो मई और अगस्त में 2019 में दिल्ली से चोरी हुई थी, और जो इनोवा गाड़ी है उसके बारे में अभी छानबीन की जा रही है। जो आरोपी प्रवीण है ये गांव जाडली का रहने वाला पीछे से, इसके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसके बारे में अभी जो पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड है जज्जर का और दादरी का वो चेक किया जा करके क्रिमिनल रिकॉर्ड का भी पता किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसने कई गाड़ियां और मानी हैं जो अलग अलग टीमें बनाकर उन पर रेड कंडक्ट करने और उनकी रिकवरी के लिए अभी भेजी हुई हैं। जैसे भी आज इसको गिरफ्तार करके क्वारंटाइन किया गया है, और जो कोविड 19 है उसकी जो गाइडलाइंस हैं इसको रिपोर्ट आने के पश्चात माननीय अदालत में पेश किया जा करके पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा, और पुलिस रिमांड के दौरान इससे जो अन्य गाड़ियां हैं वो बरामद की जाएंगी। लगभग जो गाड़ियां हैं हमें दर्जन भर गाड़ियां जो है इससे बरामद होने की उम्मीद है, और पुलिस रिमांड के दौरान जब पूछताछ में आएगा हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो सके। ये जो 3 गाड़ियां जो बरामद हुई हैं ये कहां रजिस्टर्ड हैं सर? फिलहाल ये अलग अलग जो नंबर हैं ये जैसे 410-1616 है, महम है, तो अलग अलग जो एनओसी और जो पूरा एक हम डिटेल में जो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है उसको अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो अलग अलग अथॉरिटीज़ में ये रजिस्टर्ड हैं। अभी हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्टार्ट हुई है, जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी हम रिकॉर्ड हासिल करेंगे, और गाड़ियों का जो हमने एजेंसियां हैं वहां से इनका रिकॉर्ड पता किया है, तो उसमें जो हमें ये गाड़ियां हैं ये सस्पेक्टेड और चोरी की मिली हैं, और इसमें जो आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी तो और काफ़ी बड़े बड़े खुलासे होने की संभावना है।